बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एम सी क्यू स्टूडेंट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ 50 इंपॉर्टेंट सिनोनिम एम सी क्यूज शेयर करेंगे। ये तमाम सिनोनिम्स पास पेपर से लिए गए हैं और इस वीडियो में जितने भी सिनोनिम्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे वो विद उर्दू मीनिंग्स और डिटेल्स के साथ होंगे। ये पार्ट वन है, इसके बाद पार्ट टू हमारे चैनल एम सी क्यू स्टूडेंट ऑफिशियल पर कुछ दिनों में अपलोड कर दिया जाएगा। और ये जितने भी सिनोनिम्स हैं वो जितने भी पाकिस्तान में कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इन तमाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सिनोनिम ऑफ ऑब्ड्यूरेट इज, ऑब्ड्यूरेट का मुतरादिफ क्या है? ऑब्ड्यूरेट के मायने हैं जिद्दी। सिनोनिम मुतरादिफ को कहते हैं, एंटोनिम मुतजाद को कहते हैं। सो ऑब्ड्यूरेट यानी कि जिद्दी के मुतरादिफ अल्फाज इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा है? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी, स्ट्यूबिन। स्ट्यूबिन जिद्दी को कहते हैं। अगर बात की जाए डोसाइल की तो ये शायस्ता को कहते हैं। फ्लैक्सीबल लचकदार को कहते हैं। ऑब्सक्योर गैर वाज़ह। सो इसके साथ जो मोस्ट मैचिंग वर्ड है ऑब्ड्यूरेट के साथ वो स्ट्यूबिन है। और अगर इसके मजीद सिनोनिम्स की बात की जाए तो वो आपके साथ स्क्रीन पर गिवन है, आप वीडियो को पॉज करके इन मजीद सिनोनिम्स को देख सकते हैं। सिनोनिम ऑफ एसोटेरिक इज, एसोटेरिक का मुतरादिफ क्या है? एसोटेरिक के मानी है बातनी या ज़ाती। सो इन गिवन ऑप्शन में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्राइवेट। प्राइवेट भी इस जाति को कहते हैं। अगर फेयर देखा जाए तो फेयर मुनसिफाना को कहते हैं, पॉपुलर मकबूल को कहते हैं। नन ऑफ दीज का मतलब है इनमें से कोई नहीं। इन जो मोस्ट मैचिंग वर्ड है एसोटेरिक के साथ वो प्राइवेट है। अगर एसोटेरिक के मजीद सिनोनिम्स की बात की जाए तो आपके साथ स्क्रीन पर शो रहे हैं, जिसमें डिफ़िकल्ट, हार्ड, पजलिंग ये तमाम शामिल हैं। सिनोनिम ऑफ एरर, एरर के मानी है गलती। सो गलती का मुतरादिफ लफ्ज क्या है? इनके वन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ब्लंडर। ब्लंडर भी गलती को कहते हैं। अगर एम्बिग्विटी को देखा जाए तो इसका मतलब इबहाम है। मिसगिविंग, बदगुमानी और नन ऑफ दीज तो आपको पता है इनमें से कोई नहीं। तो अगर एरर के मजीद सिनोनिम्स की बात की जाए तो वो आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दिए गए हैं। सिनोनिम ऑफ यूलोजाइज्ड, यूलोजाइज्ड की मानी है तारीफ करना या तारीफ की। सो इसका मुतरादिफ वर्ड क्या है? इनके वन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, प्रीस्ट। प्रेस्ट का मतलब है तारीफ़ करना, तारीफ की। अगर थैंक को देखा जाए तो थैंक के मानी शुक्रिया अदा किया, विश के मानी ख्वाहिश की और फ्लैटर्ड का मतलब चापलूसी है। मजीद अगर सिनोनिम्स की बात की जाए यूलोजाइज्ड की तो वो आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दिए गए हैं, जिसमें इम्प्रूव्ड, लेफ्टेड, अपलेफ्टेड, प्रेस्ड, लाउडेड। सिनोनिम ऑफ टैकीटन, टैकीटन का मुतरादिफ क्या है? टैकीटन के मानी है तन्हा या खामोश तबे। इनके वन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, साइलेंट। साइलेंट का मतलब खामोश है। कम्युनिकेट का मतलब बातचीत है, टॉकी का मतलब बातूनी है और स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत है। अगर टैकीटन के मजीद सिनोनिम्स की बात की जाए तो वो आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दिए गए हैं। सिनोनिम ऑफ पेडागोजी, पेडागोजी का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? पेडागोजी का मतलब दर्जगा या तालीम और तदरीस है। इनके वन ऑप्शन में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एजुकेशन। तालीम मैचिंग वर्ड है पेडागोजी के साथ। अगर रूट की बात की जाए तो वो बदतमीज़ को कहता है, डार्कनेस अंधेरा और इग्नोरेंस लाइलमी को कहते हैं। अगर इनके सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसमें एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन, स्कूलिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, ट्यूशन ये तमाम सिनोनिम्स शामिल हैं। सिनोनिम ऑफ क्रश, क्रश का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? क्रश के मानी कुचल देना, कुचल दिया है। इनके वन ऑप्शन में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्क्वैश। स्क्वैश के मानी कुचल दिया है। क्लियर के मानी साफ है, कंपोस्ट के मानी पर मुश्तमिल है और नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। सो अगर मजीद सिनोनिम्स की बात की जाए क्रश की तो इसमें स्क्वैश, स्क्वीज, प्रेस, कंप्रेस, मैश ये तमाम शामिल हैं। सिनोनिम ऑफ फैटी, फैटी के मानी थकावट है। सो फैटी के साथ मोस्ट मैचिंग वर्ड इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, टाइटनेस। टाइटनेस के मानी थकावट है। सो अगर मजीद वर्ड या ऑप्शन की बात की जाए सो एनर्जी के मानी तवानाई है, विगर के मानी जोश है और स्लो के मानी सस्त है। सो जो मोस्ट मैचिंग वर्ड है वो टाइटनेस है फैटीग के साथ। अगर इसके मजीद सिनोनिम्स की बात की जाए सो इसमें एग्जॉशन, डिबिलिटी ये तमाम शामिल हैं। सिनोनिम ऑफ ब्रॉल, ब्रॉल का मतलब झगड़ा है। सो इन गिवन ऑप्शन में से मोस्ट मैचिंग वर्ड ऑप्शन सी है, फाइट। अगर ऑप्शन ए की बात की जाए सो क्वेट का मतलब काफ़ी है, पीस, अमन को कहते हैं और नन ऑफ दिस तो आपको पता है। सो मोस्ट मैचिंग वर्ड ब्रॉल के साथ वो ऑप्शन सी, फाइट है। अगर मजीद सिनोनिम्स की बात की जाए तो वो आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दिए गए हैं। सिनोनिम ऑफ प्रोक्लेविटी,
प्रोक्लेविटी का मुतरादिव क्या है? प्रोक्लेविटी का मतलब पेशरफ्त है। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी टेंडेंसी, रुझान, पेशरफ्त, ये तमाम मैचिंग वर्ड्स हैं। अगर एवर्जन की बात की जाए तो एवर्जन नफरत को कहते हैं, रिलक्टेंस हिचकिचाहट को कहते हैं। तो प्रोक्लेविटी के साथ जो मोस्ट मैचिंग वर्ड है वो है टेंडेंसी। और अगर मजीद इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसमें लाइकिंग, लीनिंग, बेंट, ब्यास, ये तमाम शामिल हैं। सिनोनिम ऑफ पैसिफाई, पैसिफाई का सिनोनिम क्या है? पैसिफाई का मतलब है पुरसुकून करना। सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी प्लेकेट, प्लेकेट के मानी भी तसल्ली देना है या पुरसुकून करना है। अगर प्रोवोक की बात की जाए तो प्रोवोक का मतलब उकसाना है, इनफ्लेम जलना, और इन रेज गुस्से को कहते हैं। अगर पैसिफाई के मजीद सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसमें काम, रिलैक्स, साइलेंट, स्टिल, कंपोज, कॉन्टेंट, सूती, मोलिफाई, ये तमाम शामिल हैं। सिनोनिम ऑफ फोर्टीट्यूड, फोर्टीट्यूड का मतलब है इस्तकामत। सो फोर्टीट्यूड का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन डी करेज, हिम्मत, इस्तकामत, ये तमाम मैचिंग वर्ड्स हैं। अगर ऑप्शन ए की बात की जाए सो फेयर, फेयर खौफ को कहते हैं, जो कि सिनोनिम नहीं हो सकता फोर्टीट्यूड का। ऑप्शन बी वीकनेस, वीकनेस कमजोरी को कहते हैं, और कॉवर्ड बुजदिल को कहते हैं। सो मोस्ट मैचिंग वर्ड ऑप्शन डी है करेज। और यहाँ पर जो सिनोनिम्स है उसमें भी करेज, ब्रेवरी, रिसाइलेंस, इन तमाम को दिखाया गया है एज ए सिनोनिम। सिनोनिम ऑफ डेंस, डेंस का मुतरादिफ अल्फाज, डेंस कहते हैं घने को। सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि मोटा, थिक, हैवी, ओपेक। थिक का मतलब मोटा है, हैवी का मतलब भारी है, और ओपेक का मतलब मुबहम है। ये तमाम सिनोनिम्स हैं डेंस के। और इसको गूगल की जो डिक्शनरी है या गूगल जो सिनोनिम्स दिखाता है उनमें भी इन तमाम को मेंशन किया गया है, थिक, हैवी, ओपेक, सूपी, मर्की, ये तमाम सिनोनिम्स हैं डेंस के। सिनोनिम ऑफ डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट का मतलब है तकलीफ। सो डिस्कम्फर्ट के साथ मोस्ट मैचिंग वर्ड इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी है पेन। ऑप्शन ए का मतलब है, यानी कि रिश्योर का मतलब है यकीन दहानी। ऑप्शन बी हैप्पी, हैप्पी का मतलब है खुश। और ऑप्शन सी डिमांड, डिमांड का मतलब है मुतालबा। सो ऑप्शन बी पेन, दर्द, तकलीफ, ये मोस्ट मैचिंग वर्ड्स है। अगर मजीद सिनोनिम्स की बात की जाए सो इसमें एची, हार्ट, टेंडरनेस, इरिटेशन, स्टिफनेस, ये तमाम शामिल हैं। सिनोनिम ऑफ हाइपरबोल, हाइपरबोल का मतलब है मुबालिगा, अराई। सो मोस्ट मैचिंग वर्ड हाइपरबोल के साथ इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन ए एग्जैगरेशन, एग्जैगरेशन का मतलब है मुबालिगा, अराई। अगर ऑप्शन बी की बात की जाए अंडर स्टेटमेंट, जिसका मतलब है कम बयान। ऑप्शन सी की बात की जाए कलरिंग, जिसका मतलब है रंगकारी। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए एग्जैगरेशन इज़ द मोस्ट मैचिंग वर्ड टू हाइपरबोल। हाइपरबोल के अगर मजीद सिनोनिम्स की बात की जाए सो इसमें एम्पलीफिकेशन, यूफोरी, ओवरकिल, एक्सीस, ओवरप्लेइंग, ये तमाम शामिल हैं। सिनोनिम ऑफ क्रूशियल, क्रूशियल का सिनोनिम क्या है? क्रूशियल के मानी है अहम। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए नेसेसरी, नेसेसरी ज़रूरी को कहते हैं, अहम को कहते हैं। अगर ऑप्शन बी की बात की जाए माइनर, माइनर मामूली को कहते हैं। ऑप्शन सी अननेसेसरी, गैर ज़रूरी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो मोस्ट मैचिंग वर्ड क्रूशियल के साथ वो नेसेसरी है। अगर मजीद सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसमें पिवोटल, क्रिटिकल, की, डिसिसिव, ये तमाम शामिल हैं। सिनोनिम ऑफ हीरोइक, हीरोइक के मानी है बहादुर। सो क्या होगा सिनोनिम हीरोइक का? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन ए कोरेजियस, ऑप्शन बी ब्रेव, एंड ऑप्शन सी बोल्ड। ऑप्शन ए कोरेजियस का मतलब है बहादुर, ब्रेव का मतलब है बहादुर, और बोल्ड का मतलब है निडर। सो ये तमाम सिनोनिम्स हैं हीरोइक के। और अगर मजीद सिनोनिम्स की बात की जैसे वो आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दिए गए हैं। सिनोनिम ऑफ जेंटिलिटी, जेंटिलिटी के मानी नरमी है। सो क्या होगा सिनोनिम जेंटिलिटी का? इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन ए रिस्पेक्टेबिलिटी, जिसके मानी एहतराम है, और ऑप्शन बी सेवेरिटी, जिसके मानी तहजीब है। यानी कि बोथ ए एंड बी, ए एंड बी दोनों ये सिनोनिम्स हैं जेंटिलिटी के। मजीद सिनोनिम्स भी आपको जेंटिलिटी के स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आप वीडियो को पॉज करके वो देख सकते हैं। सिनोनिम ऑफ हैगल, हैगल का मुतरादिफ अल्फाज क्या है? हैगल के मानी सौदा करना है। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी बारगेन, बारगेन भी सौदे को कहते हैं। तो जो मोस्ट मैचिंग वर्ड है हैगल के साथ वो बारगेन है, सौदा करना। अगर ऑप्शन ए टेलीवाइस की बात की जाए तो इसके मानी है टेलीविजन के जरिए नशर करना। ऑप्शन सी रिप्लाई की बात की जाए जिसका मानी है जवाब, एंड ऑप्शन डी शो जिसके मानी है दिखाना। सो मोस्ट मैचिंग वर्ड ऑप्शन बी बारगेन है। अगर मजीद सिनोनिम्स की बात की जाए तो वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सिनोनिम ऑफ पैरामाउंट,
पैरामाउंट का मतलब है ज़्यादा अहमियत रखने वाला या बड़ा. सो इन गिवन ऑप्शंस में से क्या सिनोनिम होगा पैरामाउंट का? ऑप्शन ए वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत अहम, ज़्यादा अहमियत रखने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि पैरामाउंट के साथ जो मोस्ट मैचिंग वर्ड है वो क्या होगा? ऑप्शन ए. अगर ऑप्शन बी की बात की जाए जो है वाइड एंड एक्सटेंसिव जिसके मानी वसी और वसी है. अगर ऑप्शन सी की बात की जाए अबाव अदर्स इन रैंक जिसके मानिए दर्जों में दूसरे से ऊपर. सो ऑप्शन ए इज़ द मोस्ट मैचिंग वर्ड विद पैरामाउंट. अगर मजीद सिनोनिम्स की बात की जाए जो आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं. सिनोनिम ऑफ प्लेकेट, प्लेकेट के मानी है तसली देना. सो इसके साथ मोस्ट मैचिंग वर्ड इन गिवन ऑप्शन में से क्या होगा? ऑप्शन सी टू पैसिफाई. टू पैसिफाई का मतलब है तसली देना. अगर ऑप्शन ए की बात की जाए टू मेक श्योर जिसके मानी है बात को यकीनी बनाना. ऑप्शन बी की बात की जाए टू एनॉय जिसका मतलब है परेशान करना. एंड ऑप्शन डी टू फ्लैटन आउट जिसके मानी है चिपटा करना. सो जो मोस्ट मैचिंग वर्ड है वो है टू पैसिफाई, तसली देना. इसके मजीद सिनोनिम्स भी आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं और मजीद सिनोनिम्स में से पैसिफाई, काम, मॉलिफाई, सूती, क्विट ये तमाम शामिल हैं. सिनोनिम ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट के मानी है तफीली. सो मोस्ट मैचिंग वर्ड या सिनोनिम ऑफ पैरासाइट क्या होगा? ऑप्शन सी लीच. लीच के मानी है जोंक. अगर ऑप्शन ए की बात की जाए तो वो होता है एल्यूज ऑफ मोशन जिसके मानी है हरकत का नुकसान. ऑप्शन बी एक्सटर्मिनेटर जिसके मानी है ख़त्म करने वाला. एंड ऑप्शन डी एयर. सो मोस्ट मैचिंग वर्ड जो पैरासाइट के साथ है वो है लीच. पैरासाइट के जो मजीद मैचिंग वर्ड्स है उनमें से हैंगर ऑन, लीच, पैसेंजर, ड्रोन, ब्लड सकर, स्पोंगर, स्पॉन्जी ये तमाम शामिल हैं. सिनोनिम ऑफ बीमोइन, बीमोइन का मतलब है मातम करना. सो बीमोइन के साथ मुतरादिफ वर्ड क्या होगा इन गिवन ऑप्शन में से? ऑप्शन बी लैमेंट. लैमेंट का मतलब है नोहा या गम में चीखना या मातम करना. अगर ऑप्शन ए की बात की जाए टू बिल्ड जिसके मानी है तामीर करना. ऑप्शन सी टू डिस्ट्रॉय जिसके मानी है तबाह करना. एंड ऑप्शन डी डिनाउंस जिसके मानी है मजम्मत करना. सो जो मोस्ट मैचिंग वर्ड है वो है लैमेंट. मजीद सिनोनिम्स लैमेंट के बीवेल, डिप्लोर और मौन हैं. सिनोनिम ऑफ रिडिकुलस, रिडिकुलस के मानी है मजाहका खेज यानी कि खुश मिजाज यानी कि हंस मुख जो कि आपको हंसाने वाला हो. सो रिडिकुलस के साथ जो मोस्ट मैचिंग वर्ड है इनके उन ऑप्शन में से वो कौन सा है? ऑप्शन बी हिलेरियस. हिलेरियस का मतलब है मजाहिया. ऑप्शन ए की बात की जाए सो सीरियस, सीरियस संजीदा को कहते हैं. एंड ऑप्शन सी सेंसिबल, सेंसिबल समझदार को कहते हैं. जो मोस्ट मैचिंग वर्ड है रिडिकुलस के साथ वो है हिलेरियस. अगर मजीद सिनोनिम्स की बात की जाए रिडिकुलस की तो आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दिए गए हैं. सिनोनिम ऑफ फ्लैगिशियस, फ्लैगिशियस का मतलब है वहशियाना. सो मोस्ट मैचिंग वर्ड फ्लैगिशियस के साथ क्या होगा? ऑप्शन ए विलेनियस. विलेनियस का मतलब है बदमाश, वहशियाना, जालिम. सो अगर ऑप्शन बी की बात की जाए टू सेपरेट जिसके मानी है अलहदा करना. एंड ऑप्शन सी फेलियर. सो जो मोस्ट मैचिंग वर्ड है प्लेगेशियस के साथ वो है विलेनियस. अगर मजीद सिनोनिम्स की बात की जाए प्लेगेशियस की सो इसमें एबोनिमल, क्रिमिनल, गिल्टी, इलीगल, इमोरल शामिल हैं. सिनोनिम ऑफ इंजीनियस, इंजीनियस के मानी है होशियार. सो क्या होगा मोस्ट मैचिंग वर्ड इंजीनियस के साथ इन गिवन ऑप्शन में से? ऑप्शन सी क्लेवर. क्लेवर के मानी है होशियार. अगर मजीद ऑप्शंस की बात की जाए सो ऑप्शन ए क्लम्सी, क्लम्सी के मानी है अनाड़ी. ऑप्शन बी कैंडिड, कैंडिड के मानी है साफ कोई. ऑप्शन डी फ्रैंक, फ्रैंक के मानी है बेझिझक. अगर मजीद इंजीनियर्स के साथ उसके सिनोनिम्स की बात की जाए सो इसमें क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, ओरिजिनल, इनोवेटिव ये तमाम शामिल हैं. सिनोनिम ऑफ ट्रांसेंस, ट्रांसेंस का सिनोनिम क्या है? ट्रांसेंस के मानी आरजी है. सो इसके साथ मोस्ट मैचिंग वर्ड ऑप्शन बी इम्परमेंस. इम्परमेंस के मतलब है गैर मुस्तकिल. सो ये मोस्ट मैचिंग वर्ड है ट्रांसेंस के साथ. अगर मजीद ऑप्शंस की बात की जैसे ऑप्शन ए अनयूजुअल जिसके मानी है गैर मामूली, ऑप्शन सी बाईपास जिसके मानी है मुतबादिल रास्ता, एंड ऑप्शन डी हैप्पी मूड जिसके मानी है खुश मिजाज. अगर मजीद सिनोनिम्स की बात की जाए तो वो आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दिए गए हैं. सिनोनिम ऑफ बिलिकोस, बिलिकोस के मानी है लड़ाकू. सो इसके साथ मोस्ट मैचिंग वर्ड ऑप्शन बी वारलाइक. वारलाइक का मतलब है जंगजू. अगर ऑप्शन ए की बात की जाए सो क्विक, जल्दी. ऑप्शन सी स्पीकिंग लाउडली जिसका मतलब है ऊंची आवाज़ में बोलना. एंड ऑप्शन डी काम जिसके मानी है पुरसुकून. जो मोस्ट मैचिंग वर्ड है बिलिकोस के साथ वो कौन सा है? ऑप्शन बी वारलाइक. अगर मजीद सिनोनिम्स की बात की जाए सो वो आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दिए गए हैं. आप वीडियो को पास करके इन तमाम सिनोनिम्स को देख सकते हैं. सिनोनिम ऑफ इकोनोमाइज, इकोनोमाइज के मानी है मईशत. सो इकोनोमाइज का मुतरादिफ लफ्ज़ या अल्फाज क्या होगा इन गिवन ऑप्शन में से? ऑप्शन सी बजट.
बजट का मतलब है आमदनी का तखमीना, यानी कि ये भी मईशत के साथ टच है। सो जो मोस्ट मैचिंग वर्ड है इकोनोमाइज के साथ इन गिवन ऑप्शंस में से वो बजट है। अगर ऑप्शन ए की बात की जाए कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मतलब है लागत, सो ये मईशत के साथ नहीं है। तो ऑप्शन बी स्क्वेंडर, स्क्वेंडर का मतलब है इसराफ करना। एंड ऑप्शन डी चैनलाइज, जिसके मानी है राधिकाना। सो जो मोस्ट मैचिंग वर्ड है इकोनोमाइज के साथ वो बजट है। अगर मजीद जो इकोनोमाइज के साथ उसके सिनोनिम्स है उसकी बात की जाए, इसमें कट बैक, मेक कट्स, रिट्रेंच, सेफ एंड बजट शामिल हैं। सिनोनिम ऑफ रिटेलिएशन, रिटेलिएशन का मतलब है इंतकामी कार्रवाई। सो इसके साथ मोस्ट मैचिंग वर्ड इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी रिवेंज, रिवेंज का मतलब भी है इंतकाम। अगर ऑप्शन ए की बात की जाए सो एक्सेप्टेंस, जिसके मानी है कबूलियत। ऑप्शन बी एड ऑन, जिसके मानी है सजाना। सो जो मोस्ट मैचिंग वर्ड है रिटेलिएशन के साथ वो इंतकाम है। अगर मजीद सिनोनिम्स की बात की जाए सो इसमें से रिस्पॉन्स, पेबैक, रिपेमेंट, रेड्रेस, रिवेंज, वेंगेंस, रिप्राइसल, रिट्रीब्यूशन शामिल हैं। सिनोनिम ऑफ डिटो, डिटो का सिनोनिम क्या है, यानी कि डिटो के साथ मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है। डिटो के मायने इसी तरह है, यानी कि सेम। सो इन गिवन ऑप्शन में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी दी सेम, सेम के मायने भी है ऐसा ही। सो जो मोस्ट मैचिंग वर्ड है डिटो के साथ वो ऑप्शन सी है दी सेम। अगर ऑप्शन ए की बात की जाए फेक, फेक के मानी जाली है। ऑप्शन बी दी होल, होल के मानी पूरी। एंड ऑप्शन डी ऑपोजिट, जिसके मानी बरअक्स हैं। अगर मजीद सिनोनिम्स की बात की जाए सो अलाइक, कॉग्नेट, कॉनेट, ये तमाम इसके सिनोनिम्स हैं। सिमिलर, सच, सच अलाइक, लाइक, मैचिंग, पैरेलल, ये तमाम सिनोनिम्स हैं डिटो के। सिनोनिम ऑफ रिबेट, रिबेट के मानी कटौती हैं। सो मोस्ट मैचिंग वर्ड रिबेट के साथ इनके वन ऑप्शन में से क्या होगा, ऑप्शन डी डिस्काउंट। डिस्काउंट के मानी रियायत करना है। अगर ऑप्शन ए की बात की जाए चीप, चीप के मानी सस्ता है। ऑप्शन बी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के मानी महंगाई है। एंड ऑप्शन सी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव के मानी महंगा है। सो रिबेट कटौती यानी कि रियायत करना। तो जो मोस्ट मैचिंग वर्ड है रिबेट के साथ वो डिस्काउंट है। अगर मजीद सिनोनिम्स की बात की जाए सो इसमें रिफंड, डिक्रीज, अलाउंस, रिपेमेंट, डिस्काउंट, डिडक्शन, रिडक्शन, ये तमाम शामिल हैं। सिनोनिम ऑफ फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज के मानी वारंट को भी कहते हैं, या किसी कंपनी की अशिया बेचने का मरकज, ये फ्रेंचाइज को कहते हैं। सो इसके साथ मोस्ट मैचिंग वर्ड इनकी वन ऑप्शन में से ऑप्शन सी लाइसेंस आता है। लाइसेंस भी वारंट को कहते हैं, या किसी काम को करने की तहरीरी इजाज़त देना। सो फ्रेंचाइज के साथ जो मोस्ट मैचिंग वर्ड है इन गिवन ऑप्शन में से वो ऑप्शन सी है लाइसेंस। अगर ऑप्शन ए की बात की जाए सबवे, तो सबवे खंदक को कहते हैं। अगर ऑप्शन बी की बात की जाए क्योसिक, क्योसिक का मतलब होता है कोका या छोटा सा कमरा। अगर ऑप्शन डी की बात की जाए रीजन, सो रीजन के मानी वजह है। सो जो मोस्ट मैचिंग वर्ड है फ्रेंचाइज के साथ वो ऑप्शन सी है लाइसेंस। अगर इसके मजीद सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसमें वारंट, चार्टर, लाइसेंस, परमिट, ऑथराइजेशन, ये तमाम शामिल हैं। सिनोनिम ऑफ फोर्टिशियस, फोर्टिशियस के मानी है इत्तेफाकिया। सो जो मोस्ट मैचिंग वर्ड होगा इन गिवन ऑप्शन में से फोर्टिशियस के साथ वो क्या होगा, ऑप्शन बी एक्सीडेंटल, हादसाती, इत्तेफाकिया। सो ये मोस्ट मैचिंग वर्ड है फोर्टिशियस के साथ। अगर ऑप्शन ए की बात की जाए प्रोटेक्टेबल, सो पेशेंट को, यानी कि पहले से आपको पता होता है। ऑप्शन सी रिच, रिच के मानिए अमीर है। एंड प्री अरेंज के मानिए पहले से तरतीब शुदा। सो मोस्ट मैचिंग वर्ड फोर्टिशियस के साथ इनके वन ऑप्शन में से एक्सीडेंटल है। अगर मजीद इसकी सिनोनिम्स की बात की जाए इसमें चांस, अनएक्सपेक्टेड, अनएंटिसिपेटेड, अनप्रोटेक्टेबल, ये तमाम शामिल हैं। सिनोनिम ऑफ फ्रॉगरी, फ्रॉगरी के मानी है धोखाबाजी, जालसाजी या नकली। सो जो फ्रॉगरी के साथ मोस्ट मैचिंग वर्ड है गिवन ऑप्शन में से वो क्या होगा, ऑप्शन सी फालसिफिकेशन। फालसिफिकेशन के मानी है जालसाजी, नकली, धोखेबाजी। सो फ्रॉगरी के साथ जो मोस्ट मैचिंग वर्ड है वो है फालसिफिकेशन। अगर ऑप्शन ए की बात की जाए रेनाउंस, रेनाउंस का मतलब है तर्क करना। ऑप्शन बी वायलेंस, वायलेंस के मानी है तशद्दुद। एंड ऑप्शन डी ब्रेवरी, जिसके मानी है बहादुरी। अगर फॉगी की मजीद सिनोनिम्स की बात की जाए सो इसमें कॉइनिंग, फॉल्सिफिकेशन, फेकिंग, काउंटरफीटिंग, ये तमाम शामिल हैं। सिनोनिम ऑफ फ्लोरिश, फ्लोरिश के मानी है पलना, फूलना, ग्लो करना। सो फ्लोरिश के साथ मोस्ट मैचिंग वर्ड इनके वन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ग्रो। ग्रो के मायनी है बढ़ना, इसके साथ ग्लो भी हो सकता है। ग्लो के मायने भी पलना फूलना होता है। अगर ऑप्शन ए की बात की जाए एगिटेट, एगिटेट के मायने हैं मुश्तैल। ऑप्शन बी फ्लिकर, फ्लिकर के मायने हैं टिमटिमाहट। एंड ऑप्शन डी वेदर, वेदर के मायने हैं मुरझा जाना। सो मोस्ट मैचिंग वर्ड फ्लोरिश के साथ वो ग्रो है। अगर इसके मजीद सिनोनिम्स की बात की जाए सो इसमें से ब्लूम, ब्लॉसम, इनक्रीज, थ्राइव, प्रॉस्पर, ये तमाम शामिल हैं। सिनोनिम ऑफ मेनस्टे,
मेंस डे के मानी है बुनियादी जगह. सो मेंस डे के साथ मोस्ट मैचिंग वर्ड इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी चीफ सपोर्ट. चीफ सपोर्ट का मतलब होता है चीफ की हिमायत. इसके मजीद सिनोनिम्स आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दिए गए. सिनोनिम ऑफ लेजिटिमेट. लेजिटिमेट के मानी है जायज. सो इसके साथ मोस्ट मैचिंग वर्ड ऑप्शन बी ऑथेंटिक. ऑप्शन सी लीगलाइज जिसके मानी कानूनी बनाना. एंड ऑप्शन डी इनवैलिड जिसके मानी गलत है. इसके मजीद सिनोनिम्स आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दिए गए हैं. सिनोनिम ऑफ इंडोलेंस. इंडोलेंस के मानी सुस्ती है. सो इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा मैचिंग वर्ड होगा इंडोलेंस के साथ. सो मोस्ट मैचिंग वर्ड इंडोलेंस के साथ लेजीनेस है.